बीते 3 दिन पहले इस अभिनेत्री का था बर्थडे। पहचानिए ये कौन है, थोड़ी कोशिश तो करिए, पहचान गए ना? जी हाँ, ये है डिंपल गर्ल, लिटिल गर्ल प्रीति जिंटा। 31 जनवरी 1975 को प्रीति जिंटा का शिमला में जन्म हुआ था। इनके पिता दुर्गानंद जिंटा की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसी दुर्घटना में इनकी माता नील प्रभा देवी जी भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। तब प्रीति महज 13 साल की थी। इनके पिता सेना में अफसर थे। प्रीति की स्कूलिंग शिमला के बोर्डिंग स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी स्कूल में हुई थी। प्रीति की दिलचस्पी अभिनय में हुई, वो स्टेज शो में परफॉर्मेंस करने लगी और फिल्मों में आने के लिए इनका रास्ता तैयार होना शुरू हो चुका था। प्रीति ने क्रिमिनल साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पीजी के बाद प्रीति जिंटा ने मॉडलिंग शुरू कर दी। प्रीति ने साल 1996 में पहली बार पर्क चॉकलेट के एक विज्ञापन में काम किया था, जिसे आप सभी ने देखा होगा। प्रीति शिमला में अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में मौजूद थी। उस पार्टी में एक एड फिल्म मेकर भी मौजूद थे। उनकी नज़र प्रीति पर पड़ी और उन्होंने प्रीति को पर्क के एड में काम करने का ऑफर दिया। साल 1997 में प्रीति दिखी लिटिल साबुन के विज्ञापन में। लिटिल गर्ल बनने के बाद प्रीति को शेखर कपूर ने सबसे पहले नोटिस किया। उन्होंने प्रीति को अपनी फिल्म तारा रम पम में ऋतिक के अपोजिट काम करने का ऑफर दिया। हालांकि ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। शेखर कपूर ने प्रीति को मणिरत्नम के पास भेजा। मणिरत्नम ने प्रीति को दिल से फिल्म में एक छोटा सा रोल के लिए कास्ट कर लिया, जो आपने भी पिक्चर देखी है। इनके किरदार का नाम भी प्रीति नायर ही था। पहली फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करते प्रीति अपनी खुशकिस्मती मानती हैं। दिल से में भले ही प्रीति का रोल बहुत छोटा सा रहा, लेकिन दिल से की प्रीति नायर का किरदार प्रीति जिंटा ने इतनी खूबसूरती से जिया कि फिल्म फेयर में 44वें फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। शोल्जर, क्या कहना, दिल चाहता है, दिल है तुम्हारा, कोई मिल गया, कल होना हो, द हीरो, संघर्ष, मिशन कश्मीर, लक्ष्य, वीर जारा, सलाम नमस्ते, कभी अलविदा ना कहना और कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। प्रीति अब 2 जुड़वा बच्चों की माँ हैं। उनके हस्बैंड जीन गुड इनफ अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत हैं। अपने परिवार संग प्रीति अब अमेरिका में रहती। तो इस तरह से प्रीति जिंटा मॉडल से हीरोइन बनी। उनकी फिल्में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मूवीज देख सकते हैं। ये था आज का वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।